नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आज सुबह 9:30 बजे मुस्लिम समाज ने ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज के बाद देश में अमन शांति की दुआ की गई। दुआ के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं मुस्लिम समाज ने 13 मई को होने वाले मतदान लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात भी कही। वहीं झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रांत भूरिया ईदगाह पर पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों से गले मिलकर उनको ईद फितर की बधाई दी और पूरे देश प्रदेश वासियों को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह पर पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। पूरी आवाम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जो अमन चैन शांति इस देश में बनी हुई है उसको बरकरार रखते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ ये ईद हम मना रहे हैं। तो पुनः सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।